तो इसमें हमने दाल डाल दिया है, दाल मिक्स दाल है। ये देखिए मिक्स दाल हमने चना, अरहर, अरहर, मूंग, मसूर सब दाल हमने मिक्स करके धो के डाल दिया। अब मैं डालूंगी इसमें, आज पालक की दाल बनेगी। तो पालक है, टमाटर है, प्याज है, हरी मिर्च अभी और डालेंगे, सब्जी में हमने डाल दिया था। पहले डाल देते हैं प्याज, टमाटर, प्याज सब डाल देते हैं, साथ में पालक डाल देते हैं। और इसमें नमक डाल देते हैं स्वाद अनुसार, हल्दी, धनिया एक चम्मच, थोड़ी सी लाल मिर्च हल्का डालेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला डाल देते हैं। और यही वाला हरा मिर्च तोड़ के भी डाल देंगे। तो डाल लेते हैं हरी मिर्च, बस कुकर का ढक्कन लगा देते हैं। तो मैंने ढक्कन लगा दिया है कुकर का, चावल हमारी हो गई, मार हमने पसा दिया सबको, मार भात भी खाने के लिए दिए हैं। नमस्ते फ्रेंड, राधे राधे, कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुबह सुबह कामों में व्यस्त होंगे। तो फिर हमारा नहान धोना, पूजा पाठ हो गया सब कुछ, और आज संडे है। तो सुबह की रोई से उठी थी 7:30 बजे, अतः आँख खुल गई थी, लेकिन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता ना। और चावल बन गई है, सब्जी हमारी बन गई है, देखिए बैगन आलू, तो उन लोग को मार भात दे दिए खाने के लिए। अब चटनी चटनी किस में, तो जो आम का पेड़ हमने दिखाया था ना, तो वहीं से लाए आम, तो तोड़े नहीं है क्योंकि अभी तोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन टूट के गिरा हुआ था, तो ये ले आए हैं। तो वही धनिया पत्ता डाल के चटनी पीस दूँगी। धनिया पत्ता लाए हैं वहीं जहाँ आपको दिखाई थी, बगीचे में लाए हैं, चलते हैं चटनी पीसने, क्योंकि अभी भी आम अभी तो खाने का सीजन है, क्योंकि अभी छोटे वाले आम में तो और बहुत लहर रहता है, यानी गर्मी इसमें रहती है, पानी में हम डाल के रखे थे। चाहे आम छोटा भी हो या बड़ा हो, बड़ा भी हो तो खाने से पहले 1-2 घंटा पहले पानी उसको डाल के छोड़ दीजिए, जो भी इसकी गर्मी रहेगी वो निकल जाएगी, तब खाना चाहिए। तो दाल आज हमारे कुकर के वजह से लेट हो गई, ये कुकर ये देखिए यहाँ छेद हो गया ये यहाँ पर, तो जाएंगे आज ले के बनाने वाला नहीं आ रहा। 2 दिन आटा साथ के काम चल गया था, चिपका दिए थे, लेकिन अब वो भी नहीं रहा, फेंक दे रहा आटा, तो बगल में जस्ट है वहीं से कुकर मांगी हूँ अभी, तो दाल चढ़ा है। ये तो बोल रहे कि ला देते कुकर, बोले नहीं ये कुकर रखे हैं वो बिना लहसुन प्याज का छठ उठ करते हैं ना, तो बनाने के लिए पूजा पाठ में काम देता। और एक कुकर ये है,
ये भी खराब हो गया हमारा, ये 5-6 लीटर का है ये वाला, तो 5 लीटर का, 5 लीटर का तो खराब हो गया है, और एक और 5 लीटर का तो छठ पूजा का काम देता है, शुरू कर रखे हैं। देखिए ले लेंगे, इसे छोटा एक ले लेंगे ना, तो इसे छोटा इतने का तो जो मांगी वो 3 लीटर का है, 2 लीटर का हमारा जो है 3 लीटर का है। तो आप तो फिलहाल इसको बनवा के मंगवाएंगे, क्योंकि कुकर में ना बनने वाला बात नहीं, कुकर में जल्दी एक सीटी में सब्जी हो गई थी, एक सीटी में तो हो जाते लेकिन लेट हो गया, वो निकल गया तो वो भी खाना ना बना रहे थे, चावल चढ़ाए थे बेचारे, खाली कल के दिन बना के खाली कर दिए। चलिए चलते हैं, चटनी पीस लेने पहले धनिया का, तो आम को छील दिए हैं ये, इसमें धनिया डाल देते, हरी मिर्च, लहसुन, चटनी पीस लेते हैं। तो ये रहा लहसुन, इसमें हरी मिर्च है, ये देखिए धनिया पत्ता है, सबको इसी में डाल लेते हैं जार में। बिल्कुल फ्रेश पे ताजी ताजी धनिया है, और ये जवान है उसको भी डाल देते हैं इसी में, साथ में नमक डाल देते हैं, अच्छे से वो पिस जाएगा। थोड़ा आम है तो खट्टा पानी से थोड़ा सा नमक, खट्टे में थोड़ा सा ज़्यादा हल्का लगता है तो डाल दें। ये अचार है आम का, इसको पहले ढक देते हैं, इसको ऊपर रख देते हैं। चलिए अब चलते हैं रोटी बनाने, फिलहाल तो पहले मिक्सी पोंछ कर रख देते हैं। ये मेरा खाना, ये दाल हमारी हो गई है, इसको रख देते हैं नीचे, खुलेगा उसके बाद जीरा से छौंक देंगे, और अपने लिए हम नीचे से तार निकला हुआ था, हम कह के लाटके नहीं है स्विच जाए, तो बस अपने लिए गर्म पानी कर लेते हैं, रोटी 2-4 और बना लेंगे, क्योंकि रात का थोड़ा सा आटा था रात का बचा हुआ, ऐसे तो बचाते नहीं लेकिन बच गया था, तो 3 रोटी बस बना है और इतना रात का है, तो ये हम खा लेंगे और इनके लिए बस 2-4 रोटी बना लेंगे। फिलहाल तो अपने लिए हम गर्म पानी पी लेते हैं, उसके बाद जो भी काम होगा वो देखिए चिड़िया आ गए, इसको रोटी दे दें। तो फ्रेंड तो मैं गई हूँ फटक नहीं छत पे आ गई, आई थी तो धूप नहीं था, बादल जैसा था, अब धूप है, उस दिन धोए हमने, आप गेहूँ धोते हैं, हमने आपको वीडियो में दिखाया था, 3-4 दिन हो चुका है, तो उस समय आटा थी, अब हमारी आटा ख़त्म हो गया है, मतलब है सुबह शाम, ये आज शाम कल सुबह तक चल जाएगी, तो 1 घंटा हम सोचे धूप लगा दें,
तो हमने 10 बजे धूप 10 बजे गेहूँ डाल दिया था, धूप लगा देते तो अच्छा से थोड़ा बारीक के तरीके से मिल में पीस देते हैं। तो आधा हमने फटक लिया है, ये देखिए बोरी के अंदर, और इतना फटकना, चलिए फटक लेते हैं। धूप आ गई काफी तेज, देखिए चलिए फटक लेते हैं क्योंकि शाम को देना है मिल में, फिर 7 बजे 6 बजे मिल बंद हो जाता है। सब तू किसे किसे पसंद है, चना तो उधर ही से भिजवा के, हम आपको दिखा चुके कल वाली वीडियो में चना लेके भिजवा के, तो वो लेके आए, तो हम ही बोले थोड़ा सा गेहूँ डाल देते हैं, गेहूँ मकई या कुछ भी डाल सकते हो, अरहर की दाल होती है तो अरहर की दाल नहीं वो कुछ पूरा छिलका वाला होता है ना वो भी डाल सकते हो, खेसारी का जो दाल होता है तो दाल नहीं सिर्फ खेसारी पूरा साबुत अरहर की दाल वो मसूर की मसूर भी आप डाल सकते हो, सब छिलके वाली भूंजा के, चाहे घर पे भूंज लीजिए चाहे भूंजने वाला बाजार में होते ना भूंजा जब भूनते उनसे भी आप भूंजवा सकते हो। तो फिलहाल हम तो गेहूँ भून रहे हैं कढ़ाई में, भून के ज़्यादा नहीं है बस थोड़ा सा है, 1 kg आधा के जी से 1 kg तक, 1 kg से कम है गेहूँ, आधा उसमें डाले हैं, आधा से कम ही डाले क्योंकि थोड़ा थोड़ा भूनेंगे तो अच्छा, गर्मी के मौसम में सत्तू काफ़ी फायदेमंद है, पेट के लिए तो बहुत अच्छा है और पानी खूब पिलाता है सत्तू, बहुत अच्छा होता है। गर्मी के दिन आ गया सत्तू बहुत सबको चाहिए, सुबह सुबह बच्चे पढ़ के खाना नहीं चाहते हैं कुछ भी नाश्ता कुछ भी बना देते, रोटी पूरी ये सब कुछ भी बना देते खाना नहीं चाहते, और सत्तू होता है तो 1 गिलास पी के चले जाते हैं, तो पैकेट वाला तो मंगाते मैं, और काफ़ी मंगाते हमेशा मंगाते हूँ, 41-42 रुपये का देता है पैकेट, 1-1.5 तो है हम तो उसमें जल्दी नहीं पी पाते क्योंकि काम में हो जाता है हमारा तो बच जाता है 9-10, तो उस समय नहा के उससे गुनगुना पानी पी लेती हूँ, कभी सवेर भी पी लेती हूँ, और पर नाश्ता बना रहता तो डायरेक्ट मैं वही खा लेती हूँ। तो भाई बच्चे पार्टी जाते हैं तो उन लोग को 1 गिलास चाहिए तो 3-4 गिलास भुलाएगा, 2-2, 4-4 अब तो सब गाढ़ा भी तो भरना है क्योंकि कुछ देर के लिए पेट में पड़ा रहे, आते हैं 12 बजे कोई 2:30 बजे, टिफिन लेके तो निकल नहीं जाता बाकी दो लेके जाते हैं, तो सब तो इसलिए दे देते हैं कि थोड़ा सा पेट में कुछ खाली तो नहीं ना रहेगा, खाली रहेगा तो गैस भी बढ़ाता था तबीयत भी बिगड़ जाती है, गर्मी का मौसम आ गया सत्तू इसलिए मेरे कि नहीं पिसवा दीजिए, पैकेट वाला महंगा भी पड़ता है और पता भी नहीं चलता, मंगाते तुरंत खत्म हो जाता है, वही से भिजवा के ना, तो आप भी गर्मी का मौसम आ गया सत्तू आप भी पीजिए, सेहत बनाइए, सेहत क्या मतलब पेट के लिए अच्छा है, गर्मी का मौसम ठंडा भी करता है सत्तू, चलिए भून लेते हैं, छत पर तभी गेहूं फटक के आए हैं, सब चना जो लाए थे भिजवा के उसको धूप में रखे थे, सबको चुन के थैला में रख दिए, पिसवाने के लिए थोड़े में सब पिसवाने ले जाएंगे, ये भूज ले स्वास्थ्य है सब बर्तन खाना पीने का रखा हुआ है, हमने भी ऊपर से आए तो मोबाइल हमारा ऊपर था तो बस खाना खाए हुए भी कटोरी में थोड़ा सा चावल और दाल अभी हम छोंके नहीं है बस इसे इसी तरीके से हम ले लिए थे, काफ़ी ठीक है अभी पानी इसमें गुनगुना करके डालेंगे तो दाल वैसा ही, अभी कोई चावल नहीं खाया वो सुबह जो मार भात खाए थे बस वही खा लिए, दोबारा कोई नहीं खाया, बस हम अभी खाएँ वही चावल खाएँ थोड़ा सा कटोरी में तो सब्जी चटनी सब उसमें ले लिए थे दाल ले ली, तो चलिए भून लेते हैं, उसके बाद बर्तन वर्तन धोना है, झाड़ू लगाना है, 3:30 होने वाला है,
देखिए फ्रेंड, बादल में दिल बना हुआ है ये लोग, तो बाद में डाले थोड़ा सा, तुम लोग टेढ़ा कर दिए, टेढ़ा कर दिए। ये देखिए बंदरी, कोई बंदरी लड़की एकदम बदमाश है माही। तो फ्रेंड इस समय शाम का खुशी आसान दिखाई, आज हम बोले तुम्हें दिखा दो, वही दिखाइए। और हम भी बनाएंगे जस्ट सूजी का हलवा, शाम का टाइम है कुछ नाश्ता चाहिए तो बस वही सूजी निकालें, अभी होली का बचा हुआ हम लोग का सूजी। दो चम्मच घी डालो ना इसमें से, हाँ डालो एक चम्मच और डालो, हम करो फिर भुंजा जाएगा तब फिर डालेंगे, लेकिन तो गारंटी नहीं मिले बस। चलो बस इस शाम का सूजी का हलवा का, सूजी का हलवा का नाश्ता होगा, और दोपहर में जो दाल बनाए थे हमने वही दाल बचा हुआ बस उसको थोड़ा सा फ्राई कर देंगे। देखिए क्या जीरा से नहीं से मैसे छौके तो बस ये लोग खा लिए तो हम छोड़ दिए। पालक का दाल बना, नाक मुँह चिरा चिरा के सब खाते हैं और इतना टेस्टी बना था, हम तो वैसे ही खाएँ इसको, कटोरी में लेके चम्मच से खाएँ। और बस आलू का भुजिया भूंजेंगे, रात के लिए रोटी बनाएंगे और कुछ नहीं, दाल है दूध है, भुजिया रोटी दाल दूध इनको दे देते वो खा लेते हैं। चलिए घी अच्छे से मैट हो गया, डाल देते हैं सूजी। पीछो देखिए अच्छे से इनको खूब भुना हो पसंद है, एकदम कहते हैं एकदम लाल करके भुनना, थोड़ा सा और भुना जाए उसके बाद दूध डालेंगे, थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे मिक्स करके। जो भी और चीनी डाल दें, एक चीनी घी का है डाल, घी नहीं लगेगा दूध पर गया ना, इसमें जितना मलाई था ना पूरा डाल दिया, ऐसा ना तो ऐसे खाएगा ना बबुआ। ये लीजिए गर्मा गर्म हलवा खाइए। छत पे आ गए खाने के लिए, ये देखिए उधर रूम साफ किए हैं इन लोग को पढ़ने के लिए, अलमारी में बुक वगैरह है, अभी तो कूलर से काम चल रहा है, हम अपना भी लेके छत पे आ गए। ये वीडियो को देखा था रात को खाना के क्या भाई रोटी भुजिया रहेगा, और देख लीजिए पीछे वाली वीडियो में बता चुकी है तुम्हारा अच्छा कहाँ था, उधर से तो ईटा मारा ईटा पुड़िया से शाह मारा क्या करे, और वो आदमी खड़ा भी है जब हम ऊपर से हमें बांस वाली से जिससे छत पर, तो क्या रहते नहीं हम ही फोड़े हैं, अगला आदमी बोल के यही फोड़े क्या करता था, लड़ाई झगड़ा से तो कुछ रखा नहीं, बोले चलो भाई तुम ही जीते हम ही हारे, चेंज करवाएंगे इसी से, देखिए अच्छा नहीं लगता फिर काम। हम लोग पढ़ने के लिए बैठ गए हैं, हम चलते अपना खाना पीना बनाने, पहले हलवा खा ले उसके बाद अब वीडियो का करते हैं, अगली वाली वीडियो में जरूर बने रहिएगा।
और जो नए हमारे वीडियो बने तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाएगा, जो भी वीडियो डाले उसकी नोटिफिकेशन जाएगी। और दुर्गा स्थान मंदिर पर आरती हो रही, इसका आवाज़ जरूर आ रहा होगा। चलिए तब तक लिए बाय, गुड नाइट, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, शाम के खाने में तैयारी रहिए। ये बाय करो, खुशी बाय करो, डिटेल बाय करो।